हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 10 उद्योग पर। ठीक, देखिए आज से जो इससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी वीडियो आए उसमें चीज़ें समझाने वाली चीज़ें थी, अब चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं। आपको अब एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी चीज़ों को मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग पे हम जाएंगे नहीं। देखिए, डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि इंपॉर्टेंट पोर्शन छूट जाएगा। जितने भी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अब थोड़ा फास्ट मोड में बताऊंगा, जल्दी से जल्दी हमें भी सिलेबस कवर करना है। ठीक, दूसरा चीज़ ये जो हमारा सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें हमने छत्तीसगढ़ इतिहास का पेपर लिया था, उसके मैंने आपको कट ऑफ मार्क्स नहीं बताया या सेफ जोन नहीं बताया। नीचे स्क्रीन पर आपका एक नंबर शो हो रहा है, उतने मार्क्स तक जिस किसी के भी आए हैं, उतने आए हैं या उससे अधिक आए हैं, आप सभी सेफ जोन पर है, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन इस मार्क्स से जिस किसी के भी मार्क्स कम आए हैं आप लोगों को और मेहनत की जरूरत है। मार्क्स नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज, आप अपने मार्क्स जरूर सबमिट कीजिए। मार्क्स अपने फर्स्ट नेम के साथ, अपना पूरा नाम लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो फर्स्ट नेम के साथ अपने मार्क्स जरूर सबमिट कीजिए। इस बार से एक और उसमें जो मार्क्स सबमिशन वाला जो फॉर्म है उसमें आप लोग का मोबाइल नंबर वाला एक कॉलम भी उसमें अटैच कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। मोबाइल नंबर केवल आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने के लिए है, अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है तो, बाकी वो मोबाइल नंबर किसी को पब्लिकली शो नहीं होगा, केवल आप लोग के तक कॉन्टैक्ट। अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो उनसे बात करने के लिए, ज़्यादा नंबर आ रहा है या किसी के मार्क्स में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उनसे बात करने के लिए मोबाइल नंबर आपसे सबमिट करवाए जाएंगे, पब्लिकली आपके मोबाइल नंबर सामने नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विनिर्माण जीएसडीपी में भागीदारी, विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपके निर्माण आते हैं, विनिर्माण आते हैं, विद्युत जल आपूर्ति ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन उसमें स्पेशली क्या बता रहा है, विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र का जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुसार जो आपके स्थिर कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, इंपॉर्टेंट परसेंट है, याद रखिएगा 18.49%, 18.49%। विनिर्माण क्षेत्र की काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न उठाता है, विनिर्माण क्षेत्र की जीएसडीपी में स्थिर भाव पर भागीदारी कितनी है, 18.49%, 18.49%। अब देखिए, औद्योगिक नीति हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो आपके अलग अलग प्रकार के जो उद्योग होते हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग, ग्रामोद्योग, ठीक, जैसे अभी सोलर नीति है, लॉजिस्टिक पार्क नीति है, तो मतलब सरकार एक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की पॉलिसी अपनाएगी आगामी 5 वर्षों के लिए। मिनिमम कोई भी एक नई नीति लाई जाती है तो वो आपके कम से कम 5 वर्षों की होती है, मैक्सिमम 7 वर्ष 10 वर्ष हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, सरकार की आगामी 5 वर्षों के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी ये बताता है। ठीक, अब समझिएगा, आपको जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, आपको अभी के अभी इसके ईयर और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। देखिए पहले नंबर पर है आपके ऑटोमोटिव नीति, नाम याद कीजिए, ऑटोमोटिव नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, औद्योगिक नीति, ग्रामोद्योग नीति, ऊर्जा, सौर ऊर्जा और लॉजिस्टिक पार्क। क्या क्या है, पहले नंबर पर है आपके ऑटोमोटिव नीति, दूसरे नंबर पर है आपके कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, तीसरे नंबर पर है औद्योगिक नीति, चौथे नंबर पर है ग्रामोद्योग नीति, पांचवें नंबर पर सौर ऊर्जा नीति, छठवें नंबर पर है आपके लॉजिस्टिक पार्क नीति। अब देखिए, ये नीति कितने समयावधि के लिए आपके लागू की गई है, मतलब किस टाइम ड्यूरेशन के लिए नीति लागू है, इससे ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कैसे याद करना है, जैसे पहले नंबर पर क्या है आपका ऑटोमोटिव और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, तो ये जो दोनों नीतियां हैं ये लागू हुई है आपके वर्ष 2012 से लागू है आपके ऑटोमोटिव और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। उसके बाद नेक्स्ट है औद्योगिक नीति जो कि लागू हुआ है 2014 से, उसके बाद है ग्रामोद्योग नीति जो लागू हुआ है 2016 से, उसके बाद है सौर ऊर्जा नीति जो लागू हुआ है 2017 से, और उसके बाद है लॉजिस्टिक पार्क नीति जो आपका लागू हुआ है वर्ष 2018 से। समझना इसको, देखिए मैं क्या बताया, ये सिक्वेंस याद रखेंगे ईयर याद हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर दो नीतियों को उठाना है, कौन सा, ऑटोमोटिव नीति और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, दोनों लागू हुए आपके वर्ष 2012 से। उसके बाद आता है औद्योगिक नीति आपका 2014, उसके बाद ग्रामोद्योग नीति 2016, उसके बाद सौर ऊर्जा नीति 2017, उसके बाद आता है लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का गैप है, यहाँ पे दो ईयर का गैप है, एक ईयर ऐसे करके याद रखेंगे आपको ये ईयर भी याद हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए ये जो ऑटोमोटिव नीति है, मैंने क्या बताया, कोई भी नीति आपके मिनिमम 5 साल के लिए और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो देखिए मैक्सिमम जो आप नीति देखेंगे तो वो कम से कम 5 साल के लिए लागू है। पहले समझिए ये जो ऑटोमोटिव नीति है मिनिमम 5 साल के लिए लागू है, यानी ये लागू हुआ था आपका वर्ष 2012 से और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था ये 2012 से लेकर 2017 तक। 2017 में ये एंड हो चुका है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे पे ये नीति आते रहती है, ठीक। तो याद रखिएगा 2012 से 2017 इसका टाइम ड्यूरेशन था। नेक्स्ट है आपका कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 से लागू हुआ था लेकिन ये प्रदेश में ये जो नीति है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति ये 7 साल के लिए लाई गई है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति ये 7 साल के लिए लाई गई थी। देखिए इसका जो पहला टाइम ड्यूरेशन था ये 2017 तक ही था लेकिन इस ये जो सरकार की जो नीति थी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए 2 वर्ष के लिए इस नीति को और आगे बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा 2012 से 2019 तक लागू है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 7 सालों के लिए। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति। देखिए प्रदेश में जो औद्योगिक नीति लागू है वो है 2014 से लेकर के 2019 तक, 2014 से 2019 तक 5 साल के लिए। वर्तमान में हमारे प्रदेश में जो औद्योगिक नीति लागू है वो 4th नंबर की औद्योगिक नीति है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में कौन सी नीति लागू है, 4th नंबर की औद्योगिक नीति लागू है, ठीक। नेक्स्ट है ग्रामोद्योग नीति, जो कि आपके 2016 से लागू किया गया था 5 वर्ष के लिए 2021 तक के लिए। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा नीति। देखिए सौर ऊर्जा नीति लाई गई है आपके 10 साल के लिए। सौर ऊर्जा नीति 10 साल के लिए इसकी टाइम ड्यूरेशन है, 10 साल की समय अवधि के लिए इसे लाया गया है। समझिएगा 2017 में इसे लाया गया, 2027 तक का इसका टाइम ड्यूरेशन है। इंपॉर्टेंट है, इस ईयर गैप को याद रखिएगा, ठीक। 10 साल के लाया गया है। प्रदेश में सबसे पहली बार वर्ष 2002 को नवीनीकरण ऊर्जा नीति के नाम से इसे लाया गया था। 2017 में इसी को रिन्यू करके इस पॉलिसी का नया नाम रखा गया है, सौर ऊर्जा नीति, ठीक। नेक्स्ट है आपके लॉजिस्टिक पार्क नीति, जो कि 2018 में आया है, 5 साल के लिए 2023 तक ये नीति लागू रहेगी, ठीक। ईयर याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि ये जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति और ये सौर ऊर्जा नीति है, कृषि वाला 7 साल के लिए, सौर ऊर्जा नीति 10 साल के लिए है, ठीक। नेक्स्ट देखिए लॉजिस्टिक पार्क नीति। लॉजिस्टिक पार्क नीति जो हम अभी यहाँ पढ़े हैं, इसका जो समयावधि है 2018 से लेकर 2022 तक है, इसका डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के आपका 31 मार्च 2023 तक की समयावधि, यानी 5 साल के लिए यह नीति आपकी लाई गई है। लॉजिस्टिक पार्क नीति क्या होता है, देखिए ये लॉजिस्टिक होता क्या है। जैसे आप मूवी में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, कंटेनर जिन्हें क्रेन के माध्यम से उठाया जाता है। लॉजिस्टिक मतलब सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क की जो पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत अधोसंरचना विकास करना, आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत अधोसंरचना का विकास करना, यानी जो आपके एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसे पूर्णतः मशीनीकृत और पूर्णतः आधुनिकीकृत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार के आपके मानव श्रम का उसमें उपयोग ना हो, ठीक। जैसे आपके अगर एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, तो क्रेन के माध्यम से ले जा रहे हैं, ठीक, रोलर के सहायता से उसे ले जाया जा रहा है, ये कहलाता है आपका लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी के अंतर्गत ये अपनाया जा रहा है, पूर्णतः आधुनिकीकृत और मशीनीकृत, ठीक। देखिए इसके इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की योजना है, बनाया नहीं गया है, बनाए जाने की योजना लाई गई है, ठीक। तो इसका एक्चुअली में आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका इसका समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए यह नीति लागू है। नेक्स्ट है पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थान इसका इंपॉर्टेंट है, विजयतला ग्राम राजनांदगांव जिले के विजयतला ग्राम में आपका 500 एकड़ भूमि पे लगभग 500 करोड़ की लागत से जो आपके हरिद्वार का जो आपका पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण जो आपका पतंजलि जो मेसर्स है उनके द्वारा यह आपका पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो आपके फूड प्रोसेसिंग, जो आपके वन उत्पाद के जो प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक, यानी खाने से संबंधित, जैसे आपके टमाटर से आपके टमाटर सॉस बनाए जाएंगे, ठीक, उससे किसान जैम बनाए जाएंगे, एक तरीके का मतलब जो खाने से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसके लिए बनाया जा रहा है। आपका एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लाया जा रहा है आपके विजयतला ग्राम राजनांदगांव में। पिछले गवर्नमेंट सरकार में इसका काम काफी जोरों पर था लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये भी फिलहाल ठंडे बस्ते पे जा चुका है। लेकिन इसे याद रखिएगा, ये जो पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, ये कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, यानी ये वाली नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत इसे लाया गया था और ये विजयतला ग्राम में इसे बनाए जाने की योजना थी, ठीक, स्थापित किए जाने की योजना थी। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट है आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, डबल आई डी सी,
ठीक, डबल आई डी सी। देखिए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र ये है क्या, भारत सरकार द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के विकास के लिए इस एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक, भारत सरकार द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के विकास के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जो राज्यों में आपके सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए एक केंद्र, जैसे हम पढ़ते हैं औद्योगिक केंद्र, जैसे आपके उरला हो गया, सिलतरा हो गया, ये आपके वृहद औद्योगिक केंद्र है, लेकिन जो आपके सूक्ष्म और आपके लघु उद्योग है उनको टारगेट करके जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे वो होगा आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। इसमें जो भी लागत आएगी यानी इन सूक्ष्म और लघु आधारित जो विकास केंद्र है उसे स्थापित करने में जो भी परियोजना लागत आएगी उस परियोजना लागत का 60% या फिर मैक्सिमम करोड़, दोनों में से कोई भी, देखिए परियोजना लागत का या तो 60% या मैक्सिमम आपका जो है 6 करोड़, मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए आपका भारत सरकार देगी। ठीक, इसमें जो नोडल एजेंसी है वो है आपका CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट है, देखिए इसी में समझिएगा, प्रदेश में 4 ICDC प्रदेश में 4 IDC यानी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र प्रस्तावित है। जगह का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है, एक है आपका खमरिया जो कि मुंगेली जिला में है, दूसरा है आपका लखनपुर जो कि कांकेर जिला में है, तीसरा है आपका परसगढ़ी जो कि कोरिया जिले में है, और चौथे नंबर पर है सियारपाली महुआपाली जो कि आपके रायगढ़ जिले में है। इस एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के अंतर्गत हमारे प्रदेश में चार आपके एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर है, आपका है खमरिया मुंगेली जिला में, कांकेर जिला का लखनपुरी, कोरिया जिले का परसगढ़ी और रायगढ़ जिले का सरायपाली महुआपाली। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, PSC में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, PSC पूछ चुका है, व्यापम पूछ चुका है, प्रश्न आया है कि अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर किस जगह मौजूद नहीं है, किस स्थान पर नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका प्रदेश का अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर नहीं है, तो याद रखिएगा प्रदेश में आपके रायपुर में, बिलासपुर में और राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव, इन 3 जिले में आपका अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर मौजूद है। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन होगा वो आंसर नहीं था। ठीक, 3 का नाम याद रखिएगा, 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहां है, रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, देखिए किसी भी सरकार के द्वारा एक उद्योग को स्थापित करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की छूट दी जाती है, यानी कोई एक आपकी कंपनी है वो अगर अपना सेटअप किसी स्टेट में लगाना चाहता है तो उसे सेटअप उसको उसे अपने सेटअप लगाने के लिए राज्य सरकार किस प्रकार से उसे सपोर्ट कर रही है, किस प्रकार का छूट दे रही है, यानी कितनी, जैसे अगर एक उद्योग को वहाँ पे किसी राज्य में अपना एक इंडस्ट्री उसे बनाना है तो गवर्नमेंट उसे कुछ टैक्स में छूट देगी, उसको लाइसेंस देने में कुछ आपको छूट प्रदान करेगी या उसे आसानी से उसे लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, यानी कोई एक राज्य में अगर कोई कंपनी अपना एक इंडस्ट्री वहां पे स्टेबलाइज करना चाहता है तो वो कितनी सरलता से कर सकता है, ये आपका कहलाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काउंट किया जाता है। तो इस सूची में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो आपका रैंकिंग है 2017 की, इस सूची में हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। देखिए ये जो रैंकिंग है वर्ष 2018 में आया था, ठीक, 2018 में 2017 की रैंकिंग आई थी, अभी चल रहा है 2019, इसमें 2018 की रैंकिंग आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक, तो याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। यदि इसी सूची में हम देखेंगे तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, तीसरे नंबर पर है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कमर्शियल कोर्ट, भारत का पहला कमर्शियल कोर्ट कहाँ खोला गया है, याद रखिएगा भारत का पहला कमर्शियल कोर्ट आपका खोला गया है नया रायपुर, रायपुर जिला में, रायपुर जिला के नया रायपुर में पूरे देश का पहला कमर्शियल कोर्ट खोला गया। ये कमर्शियल कोर्ट होता क्या है, वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए विवादों के निपटारा के लिए ये कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। वाणिज्यिक क्षेत्र मतलब ये जो आपके इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से संबंधित जो आपके विवाद होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, ठीक, वाणिज्य
वाणिज्यिक क्षेत्र के जो आपके विवाद होते हैं उससे निपटारा के लिए ये कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, कमर्शियल कोर्ट जो कि पूरे देश का पहला कोर्ट है जो कि नया रायपुर में खोला गया है। ये पूर्णतः ऑनलाइन, इसमें जो भी प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी, जो भी वाद विवाद जो भी आपके इसमें कार्य किए जाएंगे, ये पूर्णतः ऑनलाइन है। तो याद रखिएगा, देश का पहला कमर्शियल कोर्ट कहाँ खोला गया है, नया रायपुर, रायपुर जिला में। नेक्स्ट है स्टैंडअप इंडिया योजना। स्टैंडअप इंडिया योजना जैसे भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए आपके स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया ये सब कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या इंपॉर्टेंट है उसे समझिएगा। ये जो आपका गवर्नमेंट की जो स्टैंडअप इंडिया योजना है, हमारे प्रदेश में इस योजना के लिए कौन पात्र होंगे समझिएगा। इस योजना के लिए हमारे प्रदेश में एससी एसटी और महिला वर्ग तीन कैटेगरी केवल पात्र होंगे। इस स्टैंडअप योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में तीन कैटेगरी ही केवल इसके लिए पात्र होंगे। कौन कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग, केवल तीन। चौथा कोई भी होगा वो आपका वैलिड नहीं है, पात्र नहीं होंगे, ठीक समझिएगा। ये प्रश्न आपका दो बार एक व्यापम में एक पीएससी में उठाया जा चुका है। स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदेश में किन्हें पात्र रखा, कौन शामिल है? एससी एसटी महिला वर्ग, एससी एसटी महिला वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग, ठीक। इस आपका स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत जो आपके जो पात्र होंगे उन्हें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो योजना है, दोनों योजना का कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन एक सेंट्रल लेवल का है, एक आपका स्टेट लेवल का है समझिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। देखिए उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन करना, दूसरा है आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसके अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, खुद का स्वयं का रोजगार उपलब्ध करा के उन्हें स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट है पात्रता, इस योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए भी आपका 18 वर्ष या उससे अधिक और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 8वीं पास होना चाहिए, आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 8वीं पास होने के साथ साथ इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति को स्व सहायता समूह की जो पात्रता है उस कैटेगरी को भी वो फुलफिल करना चाहिए। यानी कोई भी एक स्व सहायता समूह से अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जो स्व सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए पात्रता रखता है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और 8वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, किसमें? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में। अब ऋण सीमा, देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है, ऋण सीमा परियोजना लागत का अधिकतम, देखिए अगर विनिर्माण क्षेत्र का है तो उसमें 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र से है तो 10 लाख रुपए और व्यवसाय क्षेत्र है तो उसमें 10 लाख रुपए। देखिए जो भी व्यक्ति अपना एक रोजगार का सृजन करना चाहता है तो यदि मान लीजिए वो विनिर्माण क्षेत्र का रोजगार लाना चाहता है या सेवा क्षेत्र का लाना चाहता है या स्वयं कोई एक व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो उस कंडीशन में विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 लाख रुपए सरकार देगी, सेवा क्षेत्र में परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए सरकार देगी और व्यवसाय क्षेत्र में परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए सरकार देगी। वहीं अगर हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करते हैं तो इसमें आपका विनिर्माण क्षेत्र में राज्य सरकार परियोजना लागत का अधिकतम 25 लाख रुपए देगी, जबकि सेवा क्षेत्र में जो आपका सरकार है, राज्य सरकार है, वो परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए देगी और उद्योग क्षेत्र में जो सरकार है वो परियोजना लागत का आपका 2 लाख रुपए देगी। इंपॉर्टेंट है ये ऋण सीमा को थोड़ा याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, सारे डाटा याद कीजिएगा। एग्ज़ाम जो है आपका नेक्स्ट जो CGPSC ई पाठशाला टेस्ट सीरीज़ है वो है आपका 27 अक्टूबर को आपका दीपावली भी है। मार्क्स सबमिशन डेट थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि दीपावली के दिन मुझे मालूम है फेस्टिवल के मूड में रहोगे सब, कोई भी आपका पेपर सॉल्व करने वाला नहीं है, इसलिए आपका एक दो रोज उसका जो मार्क्स सबमिशन का जो डेट है उसे 2 रोज के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। आप दीपावली अच्छे से इन्जॉय कीजिएगा, बाकी पेपर पर भी थोड़ा तैयारी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।